हाय एवरीवन माय नेम नेमे शिवाश भसीन वेलकम बैक टू द चैनल द इनवेट्रोलॉजी सो इस आज की मार्केट की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा अच्छी रही हम लोगों ने एक गैप अप ओपनिंग देखी एंड आफ्टर दैट कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा था 19,550 पे हम लोगों ने देखा कि एक मैक्स पेन था एंड वहाँ पर जाके क्लोजिंग करी विच इज़ अ गुड साइन अब एक बार डाटा को स्टडी करेंगे और चार्ट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या लगती है कि किधर मोमेंटम दे सकती है इसके अलावा आज मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर ही एंड uh, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर मैंने कौन सा ट्रेड लिया था ना आफ्टर दैट हुआ क्या और कल कौन से स्टॉक्स पे हम लोग काम कर सकते हैं उसकी भी डिस्कशन करते हैं तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप ओके okay, सो so हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ आ चुके हैं एंड uh, कल की क्लोजिंग अगर आप देख सकते हैं तो एग्जैक्टली exactly फोर्टी के आसपास ही हुई थी एंड वी डिस्कस दैट कि अगर फोर्टी फोर ब्रेक होता है तो एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है बट मोस्ट प्रोबली हम लोगों ने देखा कि गैप अप आया और उस गैप अप के थ्रू हमारी जो अपॉर्चुनिटीज थी थी वो ऑलमोस्ट मिस ही हो गई थी एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बना आफ्टर दैट इट गिव अ ब्रेक डाउन एंड उसने प्रीवियस लो को भी ब्रेक करा जो कि उसका ऑटोमेटिकली एक ओपनिंग लो था प्राइस का एंड आफ्टर दैट एक बड़ी मोमेंटम आई जिसपे इसने अपने स्टॉप को भी ब्रेक करा और एंड मेकिंग अ हायर हाई ठीक है एंड आफ्टर दैट आप यहाँ चेक कर सकते हो कि इस लेवल पे यहाँ तक मोमेंटम आई है अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है कि जब एक बड़ी मूव आ गई थी उस बड़ी मूव के बाद पूरे टाइम ये कंसोलिडेशन देखने को मिला है अगर आप इसका वन मिनट का टाइम फ्रेम और निफ्टी का भी वन मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो ये ना बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल था ठीक है लास्ट आर के अंदर एंड ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है नहीं दे पा रहा नीचे आने की कोशिश कर रहा है बाइंग आ रही है एक टाइट रेंज के अंदर ये डिफाइंड हो गया था आप यहाँ पर ये चीज़ चेक कर सकते हो ठीक है एंड इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया था लेट मी जस्ट शो यू ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर लेवल ये ब्रेक हुआ ब्रेक होने के बाद इस लेवल पे जब आया और ये वाली जो कैंडल थी इस कैंडल पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था एंड जब मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया लिया मैं होल्ड करते रहा एंड आफ्टर दैट सिंपल गलती मेरी थी कि आई डिट पुट द टारगेट माई टारगेट वॉज दिस मेरा टारगेट यही होना चाहिए था हंड्रेड डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बट मैं एग्जिट नहीं करा एंड कुछ रीजंस हो गए थे कि जिसकी वजह से जो प्रीमियम था वो ज़्यादा डिके होने लग गया था क्योंकि वॉलीटाइल था मार्केट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं एंड यहाँ पर मेरा कहीं स्टॉप लॉस था वो मेरा हिट हो गया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था अगेन मैंने फिर एक और लॉट बाय करा था एंड आफ्टर दैट मेरा दोबारा वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ओवरऑल मैं बैंक निफ्टी के अंदर लॉस में ही रहा था ठीक है सो अब करना क्या है चलिए लॉसेज को अभी इग्नोर करते हैं करना क्या है कल के ट्रेडिंग सेशन पे फोर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज अभी करंट प्राइस चल रहा है देखिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ओपन इंटरेस्ट का डाटा एक बार मैं आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी का तो फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एक साइकोलॉजिकल लेवल है अकॉर्डिंग टू द ओपन इंटरेस्ट डाटा जहां पर पुट राइटर्स अभी भी स्ट्रॉग होल्ड देते हैं कॉल राइटर्स भी एक्जैक्टली exactly सेम है बट अगर पुट राइटर्स सौ पॉइंट ऊपर है अपनी स्ट्राइक अपने करंट प्राइस से सो दैट मीन्स देयर माइट बी अ चांस कि वहां पर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है थ्रू दैट लेवल और अगर वो ब्रेक होता है तो के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि कौन से लेवल्स ऑनर डाउन साइड हमें दिखा रहे हैं तो दैट इज फोर्टी फोर थाउजेंड so, सो डाउन साइड इज कैब्ड लिमिटेड है और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट्स पे कैसे हमें फाइंड करना है और जो अपसाइड है वो देर अ मोमेंटम कि वो कैच ऑन हो सकता है ठीक है सो so एक बार डाउन साइड की बात कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि ये गैप हमें देखने को मिला है तो देयर माइट बी अ चांस कि गैप फिलिंग के लिए कल एक बार बैंक निफ्टी आ सकता है सो फोर्टी फोर थाउजेंड पे ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है सो देयर माइट बी अ चांस कि बैंक निफ्टी कल एक गैप डाउन दे दे इसी लेवल्स के आसपास यहाँ पर एक पॉज ले एंड आफ्टर दैट एक रिकवरी है और वहां से मार्केट एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखा सकती है अगर ऐसा नहीं होता और बैंक निफ्टी ऊपर ही जाना शुरू करती है तो शुरुआती के बेसिस पहले हमें हमें ये चीज़ चेक करनी है कि अगर फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ब्रेक हो गया शुरुआत पे ही तो फिर हमारे लिए चांसेस ऊपर के लिए खुल जाएंगे बट अगर ऐसा नहीं होता अगर वो फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड के नीचे ही रहता शुरुआत के बेसिस पे तो फिर हमें ओपन इंटरेस्ट डाटा चेक करना पड़ेगा ठीक है वो डाटा हम लोग चेक करेंगे देखेंगे कॉल और पुट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ओ आई के बेसिस पे एंड उसके बेसिस पे फिर हम लोग अपने डिसीजनस ले सकते हैं Uh, ये चीज़ हो गई निफ, बैंक निफ्टी की अब एक बार निफ्टी की बात कर लेते हैं सो yeah. so, निफ्टी पे भी मैंने इस एग्जैक्टली exactly लेवल पे ये जो एक कैंडल थी सॉरी ये वाली जो कैंडल थी इस कैंडल पे मैंने अपना एक लॉन्ग पोजीशन बनाया था एंड आफ्टर दैट मैंने स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर हिट हो गया एंड आई एग्जिट बुकड माई लॉस ठीक है यहाँ पे सो मल्टीपल कंसोलिडेशन चल रहा था और यहाँ पर जब था तो ऑलमोस्ट छः सात रुपये का ही प्रीमियम था एंड uh, मेरा फोर पॉइंट का प्रीमियम का स्टॉप लॉस था जो हिट हो तो गया एग्जिटेड दैट स्टॉपल बट ये जो कंसोलिडेशन है अगर आप चेक करोगे ना ओपन इंटरेस्ट का डाटा अभी तो आपको आई थिंक डाटा शो नहीं करेगा बट अगर आप लाइव मार्केट पे चेक करते तो 19,550 का जो कॉल और पुट था एग्जैक्टली टू पॉइंट करोड़ के आसपास की उस पर टक्कर थी पहले पुट राइटर्स ऊपर थे बट कॉल राइटर्स क्रॉस कर रहे थे उसको अगर वो कर जाते तो देर माइट बी अ चांस की एक प्रेशर नीचे की तरफ आ जाता एंड सॉरी सॉरी मैंने गलत बता दिया यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी ठीक है पुट लिया था मैंने यहाँ पे एंड uh, छः रुपये का और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था इसी कैंडल पे ठीक है मैंने गलती से आपको शायद लॉन्ग का बता दिया होगा यहाँ पर मैंने पुट बाय करा था तो वो क्रॉस ओवर हो रहा था तो आई थॉट कि मार्केट में एक मोमेंटम मिल सकती है नीचे की तरफ एंड वो प्रीमियम डबल हो सकता है बट ऐसा नहीं हुआ बट लेट्स इग्नोर दैट सो अभी 19,550 एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है 570 एक स्ट्रांग होल्ड है क्योंकि अगर ये इसके ऊपर चले जाता है तो देर माइट बी अ चांस कि हमें 650 700 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं बट अगर ऐसा नहीं होता एक बार निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ निफ्टी पे आप देख सकते हैं कि 19,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटर्स के अभी भी एक्टिव है वहां पर जो कि ट्वेल्थ अक्टूबर का है तो मैं अभी इससे ज्यादा वो नहीं दूंगा ठीक है इंपॉर्टेंस तो मेरे हिसाब से ना अभी मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के अंदर है कल हम लोगों ने यही चीज का डिस्कशन करा था कि जब तक ये इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता नाइनटीन का तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे इस पोजिशन पर एक लॉन्ग नहीं जाता एंड वो गया था बट आफ्टर दैट साइडवेज हो गया तो देर माइट बी अ चांस कि मोमेंटम कल ये कैरी ऑन कर सकता है अगर करता है तो वी विल गो लॉन्ग इन द मार्केट ठीक है बट अगर ऊपर खुलते ही फिर वो साइडवेज ट्रेंड हो जाता है तो वी शुड इग्नोर क्योंकि कल मार्केट फिर या तो साइडवेज भी रह सकता है और आई एम नॉट श्योर कि शायद कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है आर की मीट है तो वो मुझे आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ तो वो एक बार चेक कर लेंगे उससे भी कुछ बातों में हमें पता चल सकता है कि मार्केट की मोमेंटम कहाँ रह सकती है एक बार यूएस थर्टी को चेक कर लेते हैं कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है ओके सो यूएस मार्केट अभी भी डाउन है आज गिरी हुई है यूएस मार्केट तो दैट मीन्स यूएस का टेन ईयर का बॉन्ड बढ़ा हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली ओके सो ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं है और गिरा भी नहीं है अगर मैं बात के मान के चलू सो so अभी भी टाइम है अगर ये बढ़ना शुरू करता है और यूएस मार्केट गिरना शुरू करती है तो वही बैंक निफ्टी नीचे आएगा वहां पर हम लोग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं ठीक है आयोपी एनालिस समझ में आ गई होगी अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की पहला स्टॉक है इंडियन होटल इंडियन होटल में आप देख सकते हैं कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था आफ्टर अ ब्रेकआउट उसी लेवल को रिटेस्ट करा विद अ वेरी गुड कंसोलिडेशन और अब अपने मेजर लेवल्स के ऊपर ये निकल रहा है जिस लेवल से ये एक बड़ी फॉल आई थी और कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था सो so, अब इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया फोर सिक्सटीन फोर सेवेंटी सेवनटीन के ऊपर अगर कल ये इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं टेन टू ट्वेल्व ये कल या परसों तक दे सकता है ठीक है ये दो दिन के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पे जरूर ऐड कर सकते हैं इसके अलावा बात करते हैं हम लोग पिडेलाइट की पिडेलाइट इंडस्ट्री ने एक अच्छी रिकवरी दी है लेट मी जस्ट शो यू ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ तो ऑल ठीक है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एक अच्छी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था अनुस्टेंट लाइन का इस लाइट ने ब्रेक डाउन दिया आफ्टर अ ब्रेक डाउन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुलिशामर कैंडल बनी है अगर कल पेडेलाइट नहीं गिरता है तो ये एक अच्छी कैंडल बन सकती है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है आफ्टर दैट हंड्रेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है और आप चेक कर सकते हो जब भी यह इसके नीचे जाता है एक बड़ी मोमेंटम ये देख ही जाता है अगर क्रॉस ओवर होता है तो आई थिंक ये बढ़िया काम कर सकता है पेडे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम तो अच्छा दिख रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर आप चेक करोगे तो बहुत अच्छा इसने आफ्टर अ वेरी गुड मोमेंटम एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करा है जिसपे एग्जैक्टली exactly अपने सपोर्ट से इसने एक हैमर बनाया था एंड आफ्टर दैट एक आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ क्लोज करा है सो ये सिग्नल अच्छा दे रहा है सो so अगर ये कल बाय ऑन डिप्स मिलता है दस बारह रुपए भी गिरता है और वहां से रिकवरी आती है तो पिडलाइट पर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग डेफिनेटली बना सकते हैं लास्ट स्टॉक इज ई पी एल लिमिटेड ये स्टॉक मैंने आज बाय करा है ठीक है लेट मी शो यू स्टॉक मैंने आज खुद भी बाय करा है एक्जैक्टली करेंट लेवल्स पे मैंने बाय करा है और एक बार मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ आपको एज यू कैन सी इट हेयर बहुत टाइम से ये ना इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था ठीक है ऑलमोस्ट इस रेंज को बने हुए हो गया था एक साल ऑलमोस्ट एक से डेढ़ साल तक इस रेंज के अंदर था आफ्टर दैट एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया आफ्टर अ ब्रेकआउट यहां पर आप देख सकते हो इट टेस्ट इट्स हंड्रेड एक्सप्लेन मूविंग एवरेज और रीटेस्ट टेस्ट करा नॉट स्टार्टिंग टू गो अप अभी अपर चल रहा है फोर्टी नाइन का मैंने इसमें कम क्वांटिटीज बाय करी हुई है जैसे आर एस आई फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री के ऊपर जाता है मैं इस पर क्वांटिटीज और एड ऑन कर लूंगा और अगर फिफ्टी थ्री के ऊपर अगर आर एस आई जाता है और इसका ब्रेकआउट होता है पैटर्न का तो मैं और क्वांटिटीज भी एड ऑन कर सकता हूँ सो ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट पे है टू ट्वेंटी से टू थर्टी रुपीज के लेवल में ईजिली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ विद इन अ वीक और टू तो ये थे मेरे कुछ स्टॉक्स आई होप आपको अनालस पसंद आई है प्लीज़ डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि मैं और कौन सी टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ यूट्यूब के अंदर जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देख रहा हूँ एंड मैं वॉच कर रहा था अगर वो लोग लाइव आ रहे हैं सो इफ़ यू वॉन्ट कि मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँ मार्केट के आर्स के अंदर डू लेट मी नो इसके अलावा मुझे एक चीज़ की ना शॉर एक चीज़ पूछना था कि ये YouTube चैनल जो है क्या मैं इसी YouTube चैनल के अंदर लाइव आऊँ या तो मैं लाइव के लिए एक अलग चैनल भी क्रिएट करूं सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो हैव अ गुड डे गाइस बाय बाय